तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जतौन की ज़ेर-ए-सदारत डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्ला साजिद, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मक्सी, सेक्रेटरी आरटीए राणा मोहसिन ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदौन ने इजलास में कहा कि हुकूमत आवाम की मुश्किलात का एहसास रखते हुए लॉकडाउन में नरमी की है, दीगर शोबों समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोल रही है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद के साथ किरायों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के तनासुब से कम करना होगी। इस मौके पर ट्रांसपोर्टर्स ने कहा, सूबाई सतह पर ट्रांसपोर्ट किरायों में जो भी कमी का फैसला होगा, ज़िला बहावलनगर के ट्रांसपोर्टर्स ज़िले इंतजामिया की हदायत पर आवाम को ईद पैकेज के तौर पर सूबाई सतह से भी मज़ीद 5% किरायों में कमी करेंगे और एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदौन ने इस मौके पर ट्रांसपोर्टर्स के जज्बे को सराहा।